गुजरात में खूब पहले थी। गुजरात विधानसभा चुनावों के रण में कई दल ताल ठोक रहे हैं, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार का काम पिछले 5 सालों के दौरान कैसा रहा, गुजरात और अमीर लोग सरकार के काम को किस तरह से देख रहे हैं, ऐसे कई सवालों को लेकर लोकनीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। जब लोगों से सवाल किया गया कि क्या आप पिछले 5 साल के दौरान गुजरात की बीजेपी सरकार के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट, तो लोगों का कुछ इस तरह का जवाब रहा। साल 2017 विधानसभा चुनाव के समय हुए सर्वे की अपेक्षा इस बार सरकार के काम से संतुष्ट होने वालों की संख्या में 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहां तक कि सरकार के प्रदर्शन से एकदम संतुष्ट होने वालों की संख्या साल 2017 में मात्र 8% थी, जो अब बढ़कर आराम से 31% तक पहुंच गई। इसका मतलब है कि ज्यादा लोग सरकार से असंतुष्ट होने के बजाय संतुष्ट हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या राज्य में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में सभी के लिए विकास हुआ है, केवल अमीरों के लिए या बिल्कुल नहीं हुआ, प्रत्येक 10 उत्तरदाताओं में से केवल 3 ने कहा कि विकास सभी वर्गों के लिए हुआ है। 52% उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि विकास केवल अमीरों के लिए हुआ है। ये 2017 से तेज बढ़ोतरी है, जबकि 36% ने ऐसा महसूस किया। हालांकि जिन लोगों ने महसूस किया कि राज्य में कोई विकास नहीं हुआ है, उनके अनुपात में 12% की गिरावट देखी गई। ये भावना कि विकास केवल अमीरों के लिए हुआ है गरीब मतदाताओं में बहुत मजबूत था, 40% लोगों ने ऐसा माना। सवाल पूछा गया कि भाजपा सरकार में गुजरात में हुए विकास को लेकर लोगों की क्या राय है। कुछ का मानना है कि सिर्फ अमीरों का ही विकास हुआ है, जबकि कुछ का कहना है कि सभी लोगों का विकास हुआ है, और कुछ का कहना है कि गुजरात में विकास नहीं हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं के अधिक अनुपात ने कहा कि सभी वर्गों के लिए विकास हुआ है। NBT ऑनलाइन के लिए मिथिलेश धर दुबे की रिपोर्ट।